तो QSC 1 में थर्ड यूनिट में लेक्चर नंबर 19 है, डिडक्शन के रूल्स के बारे में का टॉपिक है, रूल्स ऑफ डिडक्शन। तो जैसे ये एक डायग्राम देख रहे हो लेफ्ट साइड में, अगर इस प्रकार का दरवाज़ा दीवार में बनाते हैं तो जो ईंट कम लगाएंगे अपन दीवार में, उसकी गणना में अपन कुछ घटाएंगे। जैसे दीवार के कुल वॉल्यूम अपन ने निकाल लिया, ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके, तो उसमें से अपन ये जो ओपनिंग है, जो खुली जगह छोड़ते हैं दीवार में, उसका अपन वॉल्यूम घटाएंगे। तो वो उसकी गणना कैसे करनी है उसके बारे में है आज का लेक्चर। मेजरमेंट शीट में इसको भरने में आपका काम आएगा, और इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप डिडक्शंस के बारे में जान पाओगे। डिडक्शन, डिडक्शन शब्द मतलब घटाना, है ना। जैसे जैसा भी मैंने फिर से बताया था, क्या क्या चीज़ों को दीवार की गणना में, एक दीवार की वॉल्यूम की गणना में घटाना है या घटा सकते हैं। तो दीवार में किस किस प्रकार से छेद दिए जा सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, उसमें दरवाज़ा दे दिया तो वो एक ओपनिंग हो गई, दूसरी विंडो दे सकते हैं, खिड़कियाँ, तीसरा वेंटिलेटर दिया जा सकता है, और इसके अलावा एक्सेट्रा और भी कुछ कर सकते हैं ऐसा जिसकी वजह से वो ओपनिंग रहे। कोई डिज़ाइन दे सकते हैं, गोलाकार छेद दे सकते हैं दीवार में जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार से ओपनिंग दी जा सकती है। सबसे कॉमन यही है, दरवाजे, खिड़की और वेंटिलेटर। अब इन सब में अगर ये पता करना है अपने को कि घटाना है या नहीं, तो ये ध्यान रखना 0.5 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा अगर ओपनिंग है तो घटाना है। अगर देखो सेकंड लाइन में क्या लिखा, टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए इट इज़ कॉमन सेंस टू सब्ट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ ओपनिंग फ्रॉम वॉल। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल में से वॉल्यूम ऑफ ओपनिंग घटाता है, घटाते हैं। बट देर आर सम रूल्स, पर इसके कुछ नियम हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज रूल्स आर डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मेसोनरी। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है ये वाला जो लिखा हुआ है दो इन्वर्टेड कॉमा में, डिडक्शन फॉर ओपनिंग्स इन मेसनरी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर दरवाजे की ओपनिंग है तो देखो क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ओपनिंग। अगर इस प्रकार का दरवाजे की ओपनिंग है, रेक्टेंगुलर है, तो पूरा डिडक्शन करना है। ये पूरा डिडक्शन करना है ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ रूल ऐसे हैं जिसमें अपन नहीं भी डिडक्शन कई बार करते हैं। मैंने पहले उसकी बात बता देता हूँ कब डिडक्शन नहीं करना है, सुनो ध्यान से। अगर ओपनिंग 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम है, या 0.1 स्क्वायर मीटर से कम है, या 1 बाय 1 फिट स्क्वायर से कम है, एक फिट चौड़ा 1 फिट ऊंचा, अगर इतना बड़ा अगर अपन ने वेंटिलेटर दिया है तो कोई भी उसके लिए घटाना नहीं है, उसका वॉल्यूम नहीं घटाएंगे। उसका कारण क्या है, अगर अपन दीवार में 1 फिट बाय 1 फिट या उससे छोटा ओपनिंग देते हैं तो उसके अंदर की तरफ पुताई भी होती है, प्लास्टर भी होता है, तो जो भी 4-6 ईंट बचती हैं, 2-4 ईंट बचती हैं, उसके पैसे का जितना बचत होगी उतना ही खर्चा उसके अंदर की तरफ प्लास्टर करके पुताई करने में हो जाएगी, तो वो बैलेंस हो जाता है। इसलिए 1 फिट बाय 1 फिट या 0.1 मीटर स्क्वायर से कम का अगर है, या 0.1 मीटर स्क्वायर भी है, 1 फिट बाय 1 फिट भी है अगर ओपनिंग, तो अपन कुछ भी नहीं घटाएंगे। सेकंड, अगर बीम का एंड, जैसे कॉलम के ऊपर बीम टिकी हुई है ना, लेकिन बीम किसी दीवार के आर पार जा रही है, और बीम का एरिया 500 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम है, तो भी कोई अपन उसकी वैल्यू वॉल्यूम में से नहीं घटाते, ठीक है।
ये बात हो रही थी अगर वॉल्यूम ऑफ वॉल का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो, और जो मैंने वो 0.5 मीटर स्क्वायर का बताया था वो केवल प्लास्टर में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर अपन को ये निकालना है कि प्लास्टर का कार्य कितना करा जाना है कहीं पे भी बिल्डिंग में, तो अपन क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, दीवारों का एरिया। अब दीवारों के एरिया दो तरह से, एक बाहर बाहर का एरिया, एक अंदर अंदर का एरिया। कोई भी घर बनाया उसमें बाहर बाहर के एरिए और एक कमरों के अंदर अंदर के एरिए, तो दो तरह से एरिया निकल सकते हैं। तो अगर कोई खिड़की बनाई गई है दीवार के अंदर, तो दो बार उसको एरिया के कैलकुलेशन में घटाना है, एक बार अंदर का एरिया जब कैलकुलेट करेंगे प्लास्टर के लिए, और एक बार बाहर के लिए जब प्लास्टर का एरिया कैलकुलेट करेंगे तब भी घटाएंगे। तो उसमें कुछ रूल अलग है थोड़े से, उसका एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। उसमें 0.5 मीटर स्क्वायर का चलता है, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें 0.1 मीटर स्क्वायर का है ना। तो वॉल के वॉल्यूम का अगर कैलकुलेशन है तो 0.1 मीटर स्क्वायर तक कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, उसके ज़्यादा अगर है वॉल्यूम तो कितना डिडक्शन होगा वो मैं इसमें बता रहा हूँ। अगर रेक्टेंगुलर दरवाजा जैसा अपन सबके घरों में नॉर्मली होते हैं, अगर एच हाइट है, एल उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, मान लो चौड़ाई, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हाइट गुणा चौड़ाई गुणा थिकनेस ऑफ वॉल, ये वॉल्यूम निकल जाएगा, इसको घटाएंगे। आगे अगर दरवाजा रेक्टेंगुलर है, बस उसके ऊपर रेक्टेंगल की जगह एक छोटा सा आर्क है, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल सिगमेंटल आर्क। ये समझ लो आर्क का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि ऊपर ऊपर की तरफ केवल लगा है, बाकी सारी साइड और बॉटम की लाइन पूरी स्ट्रेट लाइन है, उसमें कर्व नहीं है। तो अगर ये थोड़ा सा कर्व है तो उतना ही घटाएंगे जितना कि अपन ने इसके पहले वाले दरवाजे में देखा था, उतना ही घटाएंगे। ये जो चौड़ाई है और ऊंचाई है इनका गुणा करेंगे और थिकनेस ऑफ वॉल का गुणा कर देंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है, ये जो एक्स्ट्रा जगह है आर्क के दरवाजे के ऊपर, आर्क की वजह से जो कुछ ईंटों की बचत होगी उसको अपन बचत नहीं मानते, उसका कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे गोलाई का शेप देने में एक तो कुछ ईंटें भी कटेंगी, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा थोड़ा बहुत होएगा, तो वो जितनी ईंट यहाँ पे बच रही हैं ईंट न लगा के, उतना उसको गोलाई देने में खर्चा लगभग बराबर पड़ जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए इसको बनाने में दीवार में अपन मानते हैं उतना ही खर्चा पड़े, एक दीवार को अपन ने बनाया और उसमें रेक्टेंगुलर दरवाजा दिया तो अपन मानते हैं उसमें उतना ही खर्चा हो रहा है, जितना अगर उसी दीवार में अपन इस प्रकार का दरवाजा देते हैं जिसमें ऊपर ये हल्का सा कर्व है, तो दोनों में खर्चा समान मानते हैं अपन, इसलिए डिडक्शन इतना ही रहेगा, एल इंटू एच इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। अब आ जाता है सिगमेंटल आर्क ओपनिंग। अब ये स्मॉल शब्द हट गया, पिछले वाले में स्मॉल सिगमेंटल आर्क था है ना, अब केवल आर्क लिखा हुआ है, सिगमेंटल आर्क है, इसका मतलब सेमी सर्कुलर नहीं है, अर्धगोलाकार नहीं है ये। इसमें थोड़े से नियम में अंतर आ गया, अब इसमें पूरी ओपनिंग जो भी अपन दीवार में इसका छेद टाइप बनाएंगे, एक तो रेक्टेंगुलर हो गया और दूसरा ये कर्व वाला पोर्शन हो गया, इन दोनों को जोड़ के अपन वॉल्यूम घटाते हैं। तो इसमें फॉर्मूला यह लगेगा, यहां पे ये लिखना रहेगा कि आर कितना है, यहां पे आर है राइज, जैसे यहां पे ये यह है ना आर राइज, वैसा ही इसकी हाइट कितनी आर्क की, आर 2/3 एल इंटू आर। इस डायग्राम को मॉडिफाई करता हूं मैं, रुको। हाँ
हाँ, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहिए अपने को, आर दिखाना रह गया। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, इस फोटो को लगा देता हूँ मैं उसमें। कॉपी, सिगमेंटल आर्क ओपनिंग, इसे हटा के ये लगा दिया। तो इस डायग्राम में अब दिख रहा है आर कितना है। आर इस आर्क की हाइट के बराबर है, जिसे कैलकुलेट को जिस प्रकार से करना है, क्योंकि 2/3 ऑफ एल एन टू आर, तो ये वॉल्यूम या ये एरिया कैसे निकलेगा, आर्क का चौड़ाई गुणा इस आर्क की हाइट जो कि है आर, उसका 2/3 लेना है, प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया एल इन टू एच, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो भी निकलेगा उसमें थिकनेस ऑफ वॉल का मल्टीप्लाई करना है। और अब यह है चौथे टाइप का ओपनिंग, एक ऐसी रेक्टेंगुलर डोर है जिसके ऊपर सेमी सर्कुलर आर्क है। सेमी सर्कुलर बहुत सामान्य सी बात है, गोले को आधा काट दिया तो बन गया सेमी सर्कल या अर्ध गोलाकार। तो ऐसे में आर्क की जो हाइट है वही उसकी रेडियस है। पाई आर स्क्वायर, अगर पूरे सर्कल का एरिया है तो आधे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा दो है, इसमें क्यूब आ गया है। एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ। अब ठीक है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, लेकिन इसमें कैलकुलेशन की आसानी के लिए इसको 3/4 इंटू डायमीटर या एल जो इसका कुल लंबाई है गुणा आर, वैसे दरवाजे की चौड़ाई बोलते हैं इसको, या एवं इसमें क्या गुणा करना है आर का जो रेडियस है या राइज है। आर से राइज भी है, आर से रेडियस भी है, सेमी सर्कल है तो दोनों एक दूसरे के समान है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो कि एल गुणा एच से मिलेगा ये रहा, प्लस इसका एरिया जो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 3/4 गुणा एल गुणा आर, इन दोनों को प्लस कर देंगे दोनों के एरिया को,
और उसमें वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल की मोटाई कितनी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना डिडक्शन करना है वो मिल जाएगा। अगर आर्क बड़ा है तो फिर ये 1/2 पायर स्क्वायर से ही इसका एरिया निकालना है, ठीक है? एक्यूरेट फॉर्मूले से फिर कैलकुलेशन करना है अगर आर्क बड़ा है तो। बहुत सिंपल है आज जो पढ़ा। रेक्टेंगुलर ओपनिंग है तो दरवाजे की चौड़ाई गुणा उसकी हाइट मल्टीप्लाई उसकी थिकनेस, ये डिडक्शन रहेगा। अगर ओपनिंग कम है, 0.1 मीटर स्क्वायर से छोटी है, 0.1 मीटर स्क्वायर तक है, तो कोई डिडक्शन नहीं होता, ये मैंने बताया अभी तक। इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा है अगर छोटा आर्क है, सिगमेंटल आर्क, स्मॉल सिगमेंटल आर्क, तो डिडक्शन उतना को उतना ही जितना रेक्टेंगुलर ओपनिंग के लिए था। दरवाजे की चौड़ाई गुणा दरवाजे की हाइट गुणा दीवार की मोटाई। तीसरा पॉइंट है जो आज अपन ने पढ़ा था, आर्क ओपनिंग है जिसमें सिगमेंटल आर्क है, सेमी सर्कुलर नहीं है, उससे थोड़ा छोटा है, तो फिर 2/3 गुणा दरवाजे की चौड़ाई गुणा राइज प्लस जो रेक्टेंगल पोर्शन है उसका एरिया L×H, इन सबको प्लस करने के बाद दीवार की मोटाई, सब में दीवार की मोटाई का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और सबसे आखिरी में अपन ने पढ़ा अगर सेमी सर्कुलर आर्क है तो आधा सर्कल का आधा आर्क है, ऐसे में क्या होता है राइज ज़्यादा होता है, उतने ही चौड़ाई दरवाजे की रहेगी तो राइज ज़्यादा आएगा। तो ऐसे में 3/4 L×R प्लस जो रेक्टेंगल का एरिया है L×H और थिकनेस ऑफ वॉल का मल्टीप्लिकेशन, अगर एक्यूरेटली करना है तो 3/4 L×R की जगह अपन करेंगे π/2 R²। तो ठीक है, अब एक ये काम करो, ये सवाल करो, एक डोर की चौड़ाई है 1.25 मीटर और उसकी हाइट है 2.1 मीटर, एल हो गया 1.25, एच हो गया 2.1, तो उसमें सेमी सर्कुलर आर्क है, तो बताओ डिडक्शन कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन है अगर डोर की ब्रेड्थ चौड़ाई 1 मीटर है, हाइट 2 मीटर है, उसमें सिगमेंटल आर्क ओपनिंग दी है जिसमें राइज है 0.3 मीटर, तो डिडक्शन कितना होगा कैलकुलेट करो। आसान सवाल है, करना जरूर। अब अपन चौथी यूनिट पे आ जाएंगे अगले लेक्चर से, प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट। इसमें अपन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड पे आएंगे जो कि न्यूमेरिकल है। किताब पढ़ो BN दत्ता की, बढ़िया। थैंक यू।